या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, जो सभी प्राणियों को शक्ति प्रदान करती हैं, उनको बारंबार नमस्कार। सुप्रभातम के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। हमारे जीवन में शक्ति का विशेष महत्व है। नवरात्र वो पवित्र समय है जब देवी अर्थात आदि शक्ति की उपासना की जाती है, क्योंकि शक्ति है जीवन का आधार, शक्ति है ऊर्जा का संचार, माँ की गरिमा है अपरंपार, इसी से होता है सभी प्राणियों का उद्धार। इसीलिए आवश्यक है देवी की उपासना अर्थात शक्ति को अपने जीवन में धारण करना। हमारे जीवन में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, गुणों की शक्ति, प्राण शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और साथ ही आशा की शक्ति। आशा जीवन में शक्ति का वो आधार है जो विपरीत समय कठिन परिस्थितियों में ही व्यक्ति को धैर्य देती है और उसका सामना करने का साहस देती है। इसीलिए आवश्यक है कि कठिन समय हो या विपत्ति की घड़ी हो, अपने जीवन में आशा को सदैव ही कायम रखना चाहिए, साथ ही साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय सबसे बलवान है और इसीलिए आवश्यक समय की पहचान है। समय की जानकारी और पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जानते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग, युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि सोमवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विचार हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। सकारात्मक विचारों की शक्ति इतनी बलशाली है कि उससे पूरे संसार में कुछ भी संभव हो सकता है, यहाँ तक कि संसार को भी बदला जा सकता है। ये शक्ति एक से दूसरे व्यक्ति में संचारित भी होती है। इसीलिए जो व्यक्ति सकारात्मक विचार रखता है वो वैसी ही ऊर्जा का संचार प्राणी मात्र में करता है, अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक बनाता है और यही उसकी वृद्धि साथ ही उसकी सकारात्मक जीवन और जीवन की सार्थकता का कारण बनता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव ही सकारात्मक बने रहना चाहिए और इसके लिए उपयोगी होते हैं सकारात्मक विचार। जरा जीर्णानि रूपाणि रोगार्तानि वपुंषि च आयुंषि काललीढानि दृष्ट्वा कस्य भवेन्मदः। जरा अर्थात बुढ़ापे से जीर्ण रूप को, रोग से क्षीण शरीर को और काल से ग्रस्त आयु को देखकर भला किसे स्वयं पर अभिमान बचा रह सकता है। अर्थात इस नश्वर संसार में अभिमानी होना निरी मूर्खता ही है। Who on earth can feel proud of their physical beauty when they see around them beauties distorted by old age, bodies rendered pale by debilitating diseases, and the aged awaiting death in this fragile world? It is sheer foolishness to feel proud of one's physical possessions. प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। शरद ऋतु का आरंभ हो गया है और इस समय मनाए जाते हैं शारदीय नवरात्र। शरद ऋतु में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। इसमें जल, तापमान, वनस्पति साथ ही हमारे शरीर में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा आहार, विहार और विचार भी ऋतु के अनुसार ही परिवर्तित होना चाहिए। किस तरह से स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है ऋतुचर्या और क्यों
वैज्ञानिक दृष्टि से इसका पालन करना उपयोगी होता है। आइए जानते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन व्यवस्थित सम्यक प्रकार से प्रलेखित और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों में से एक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विशद ज्ञानारण्य में जब बात आयुर्वेद की होती है तो लोकोपकारक इस ग्रंथ की उपादेयता को भारतीय मनीषियों ने विभिन्न संहिताओं का गहन अध्ययन कर परिभाषित किया है। भारतीय संस्कृति व ज्ञान चिरकाल से न केवल मानव मात्र के लिए अपितु सभी प्राणियों के सुख की परिकल्पना का प्रसार विश्व भर में प्रसारित करता आ रहा है। आयुर्वेद के सिद्धांतों में हितायु, सुखायु, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि विषयों के महत्व का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। ऋतुओं के अनुसार वायु, जल, तापमान, मिट्टी, वृक्ष, वनस्पति आदि में परिवर्तन के अनुसार जीवन शैली में भी परिवर्तन करना अपेक्षित होता है। ऋतु के अनुसार अपने आप में बदलाव करना, क्योंकि हर ऋतु में जैसे पंचभूतों में बदलाव होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, वैसे हमारे दोषों में भी कम ज़्यादा होते हैं दोष, और इसी से भी व्याधि होते हैं ऋतु के अनुसार। इसीलिए हर सीजन में ऋतु के अनुसार अगर हम अपने खान पान में विहार में बदलाव करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और व्याधि से प्रतिबंध हो सकता है। इसीलिए एक सीजनल रेजिमेन भी है और एक सर्कैडियन रिदम जो दिनचर्या भी कहिए, तो ये दोनों को बायोलॉजिकल क्लॉक और यूनिवर्सल क्लॉक को एडजस्ट करना, यही एक ऋतुचर्या है। आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए लिखा गया है, मासेर द्विसंख्येर माघाद्यैहि क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः शिशिरोथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद धीमाः। माघ फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख महीने में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद महीने में वर्षा ऋतु, आश्विन एवं कार्तिक महीने में शरद ऋतु और मार्गशीर्ष एवं पौष महीने में हेमंत ऋतु होती है। शरद ऋतु के विषय में वर्णन मिलता है, वर्षा शीतो चित्तांगानाम सहसैवार्क रश्मिभिः तप्तानाम संचितम वृष्टौ पित्तम शरदि कुप्यति, अर्थात सूर्य की प्रखर किरणों से उष्णता प्राप्त कर जब वर्षा ऋतु में शरीर में साथ में होता है तब शरीर में संचित पित्त शरद ऋतु में कुपित हो जाता है। तो ये जो शरद ऋतुचर्या है, जो अभी जो सीजन में बदलाव आ रहे हैं, गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, और बीच में ये जो ऑटम है, ट्रांजिट पीरियड है, इसमें हमें अपने आप को एडजस्ट करना, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक इस आने वाले सर्दी के लिए बदलाव करके एडजस्ट करना, ये शरद ऋतुचर्या है। आयुर्वेद में ये कहा है कि इसमें स्वाभाविकतः पित्त का प्रकोप होता है, सभी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ते हैं और वायरल भी पनपते हैं बाहर, वैसे बुखार, एंटराइटिस होना, टाइफॉइड, डेंगू जैसे बीमारियां इन दिनों में ज़्यादा होती हैं, पित्त से होने वाली बीमारी ज़्यादा होती है, एसिडिटी होती है। इसके लिए तिक्त मधुर कषाय रस से युक्त शाली, युष, आंवला, शहद और लघु आहार का सेवन करना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार ही फलों का सेवन श्रेयस्कर बताया गया है। नित्य पर्याप्त मात्रा में फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार शरद ऋतु में कुछ ऐसे अंश भी हैं जिनके परिहार का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे रात में यवक्षार, अधिक भोजन, दही, तेल और वसा से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही शरद ऋतु में अधिक तीखे द्रव्यों का सेवन, दिन में सोना, धूप में अधिक समय तक रहना अहितकर बताया गया। शरद ऋतु में व्रत का आचरण स्वास्थ्यकारक होता है। इसके लिए भारतीय संस्कृति में शरद ऋतु के आरंभ में शारदीय नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों का उपवास किया जाता है। नवरात्रि में हल्का ताजा सुपाच्य खाना, इसीलिए नवरात्रि व्रत को अपने आप के भूख कम हो जाती है, इसके लिए भूख को अग्नि को प्रदीप्त करना, व्रत में सिंघाड़ा, समा का चावल या कुट्टू का आटा, इससे बना सिंपल या उसकी खीर भी हो, इसी से उबले हुए जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, इसके चावल घी डाल के ले सकते हैं। इन दिनों में
घी का सेवन करना, देसी घी का सेवन करना बहुत जरूरी है, जिससे वो पित्त का भी कम होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होता। तो आप और जो डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर, जो स्वस्थ हित ऐसे जो एक सप्लीमेंट रिजुविनेटर है, उसमें आंवला है। तो हम कहते कि आंवला अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो आंवला, गिलोय का सत्व, नागर मोथा, धना, जीरा, उनसे बना हुआ पानी, और बुखार है तो शुंठी भी आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को अपने आहार में, दिनचर्या में समाविष्ट करेंगे तो व्याधि नहीं होगी। शरद ऋतु काल में विशेष व्यवहार के कारण शरीर में वेदना, संक्रमण, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होने जैसी समस्याएं होने का खतरा बना रहता है। इसलिए समुचित आहार विहार, स्वस्थ वृत्त, सद्व्रत, दिनचर्या, रात्रिचर्या आदि का समुचित पालन आवश्यक होता है। आयुर्वेद से संबद्ध शास्त्रों में केवल चिकित्सकीय विषयों का ही वर्णन नहीं मिलता, अपितु यह मनुष्य की पूर्ण आयु पर्यंत उसके आचरण, व्यवहार, दिनचर्या आदि की भी आचार संहिता है। अतः इसके अनुसरण करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तो संभव है ही, साथ ही समाज में उत्तम जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी इससे प्राप्त होता है। नीतीश भारद्वाज, GD न्यूज। जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, इस समय में व्रत और उपासना का विशेष महत्व होता है। व्रत करने से अर्थात खान पान में सावधानियों का पालन करने से शरीर की शुद्धि होती है। अच्छे विचार रखने से मन और मस्तिष्क की शुद्धि होती है, क्योंकि इस समय पर संक्रमण की संभावना अधिक होती है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होता है। कई बार हम लोग अपना मोबाइल फोन यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि ये कारण बन सकता है किसी संक्रमण के होने का। इसलिए आवश्यक है कि अपने मोबाइल फोन, जो अक्सर हम लोग हर जगह साथ लेकर जाते हैं, उसकी स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मोबाइल फोन से कौन से संक्रमण और बीमारियों का खतरा हो सकता है और कैसे इनकी संभावना को कम किया जा सकता है, अर्थात सेलफोन हाइजीन कितनी उपयोगी हो सकती है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आइए समझते हैं। मोबाइल फोन दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गया है। सेलफोन का प्रयोग हम सभी करते हैं। मोबाइल फोन ने जीवन को आसान बना दिया है। इस नई तकनीक ने कई तरह के गैजेट्स की जगह ले ली है। घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट या टीवी, इन सब जरूरतों को पूरा करता है मोबाइल फोन। शायद इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का जीवन मोबाइल पर आधारित हो गया है। दिन भर मोबाइल पर हम व्यस्त रहते हैं, हर समय मोबाइल साथ रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सेल फोन कई तरह के संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है और आपके बीमार होने का कारण बन सकता है। मोबाइल फोन तो लोग ऐसा लेते हैं, चमकता हुआ लेते हैं और अपने आप को चमकाने के लिए लेते हैं। आप उसमें संक्रमण की बात करेंगे तो अक्सर ऐसा लगेगा कि इससे क्या संक्रमण आएगा, कवर भी खूब अच्छा चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो संक्रमण आता है, इसकी मुश्किल ये है कि ये दिखता नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन ये हल्के हल्के तौर पे अंदर आता रहता है और आपको पता नहीं चलता है। तो अब ये देखा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो एक उसका फैक्ट्री बना हुआ है संक्रमण रोग का, उसका कारण है। हम कहीं जाते हैं, किसी की मेज पे रख देते हैं, हम किचन में जाते हैं वहाँ संक्रमण के बहुत हैं वहाँ रख देते हैं, अस्पताल में जाते हैं वहाँ मरीज के साथ उसमें रख देते हैं, खून का टेस्ट कराने लैब में जाते हैं वहाँ पे रख देते हैं, और आज इतना इस्तेमाल है कि आप जब वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वहाँ भी रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ वहाँ से संक्रमण ये उठा के लाता है। इसकी मोबिलिटी इतनी रहती है कि जहाँ वो टेबल पे, मेज पे, कुर्सी पे, टेस्टिंग पे, बस में, टैक्सी में, मेट्रो में, जहाँ भी जाता है उसमें ये बहुत सारी संक्रमण लेके जाता है। अधिकांश लोग सुबह की सैर से लेकर रात को सोने के कमरे तक, घर से ऑफिस तक, सिनेमा घर से अस्पताल तक, बाथरूम से लेकर खाने की मेज तक और रसोई से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, हर जगह अपने सेलफोन का उपयोग करते हुए दोबारा नहीं सोचते, हर जगह सेलफोन को साथ ले जाते हैं। लेकिन शोध ये बताते हैं कि सेलफोन ज्यादातर लोगों की सोच से
कहीं अधिक गंदे होते हैं, जिनसे अधिक कीटाणु इकट्ठे होते हैं और रोगाणु को हम छूते हैं, जिससे बीमारी हो सकती है। आपका सेल फोन टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा संक्रमित होता है। मोबाइल से कई तरह के संक्रमणों का खतरा बढ़ता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, गला खराब होना, फ्लू, आंखों में संक्रमण, वायरल बुखार, पेट के संक्रमण, ये सभी खतरे मोबाइल की वजह से हो सकते हैं। तो आपको अगर जागरूकता है, अगर मैं ये मानता हूँ कि इसमें जगह पर अगर मोबाइल फोन रख दूंगा तो उसके अंदर कुछ संक्रमण के कीटाणु आ जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ नहीं रखूँगा, मैं उसको साफ सुथरा रखूँगा। और एक अपना ही पॉकेट में या कहीं रखेंगे, वो सबसे सेफ है। आपने अपने बैग में रखा, निकाला, बात करा, बैग में रख दिया, तो उससे सबसे सेफ है। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ खतरा ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था कि आप टेस्ट कराने जाते हैं लैब में, एक्सरे कराने जाते हैं, अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं, वहाँ उसको कम से कम इस्तेमाल करें। एक तो उस मरीज के लिए भी फायदा है, अस्पताल के लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। सभी संक्रमणों में से लगभग 80% संक्रमण हाथों से फैलते हैं। वायरस और बैक्टीरिया सेल फोन के माध्यम से एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जब हम हाथों से उन्हें छूते हैं तो यही कीटाणु हमारे हाथों पर आ जाते हैं और फिर शरीर में प्रवेश कर बीमारी का कारण बनते हैं। अगर इसके ऊपर आपने कवर चढ़ाया हुआ है तो उसको कवर जो है आप हफ्ते 10 दिन में उतार लें। और आजकल ज़्यादातर कवर जो हैं वो साफ करे जा सकते हैं, चाहे आप उसको साबुन पानी से साफ़ करें, चाहे आप उसको सैनिटाइज़र से साफ़ करें, देख लें कि वो ख़राब ना हो, उसको आप साफ़ कर लें। और आज की तारीख में जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसको आप बाहर से भी किसी एक कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये नियमित रूप से साफ़ करेंगे तो वो भी साफ रहेगा और आपका हेल्थ भी बना रहेगा। यदि आप अपना मोबाइल फोन हर समय अपने पास रखते हैं और फोन को साफ करने पर ध्यान नहीं देते, तो ये समझ लें कि आपका सेल फोन बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। सेल फोन को बाथरूम में न ले जाएं, खाना खाते समय सेल फोन को अपने साथ न रखें। मोबाइल फोन को साफ करने पर विशेष ध्यान दें, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो और इनसे बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें, साथ ही कैसा आहार आप ले रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कैसे विचार रख रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH, MDH। हाथ धोकर आते हैं सब। साबुन की जगह हैंड वॉश, मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार, पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञान हमारे विचारों की शुद्धि करता है और जीवन में सही मार्ग अर्थात पथ प्रदर्शित करता है। दिव्य ज्ञान है ज्ञान से ज्ञान तक का सफर। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः।
संस्कृत पाठशालायां सर्वेषाम् अस्तु स्वागतम्। अहम् अस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि कैसे महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों में एकता अतिरिक्त रूप से हटा लेने का इन दिनों प्रचलन हो गया है, जिससे संस्कृत के प्रयोक्ता भी प्रभावित हो गए हैं। अर्थात महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हम में से कई लोग संस्कृत में भी कर जाया करते हैं। और तो और, इस प्रवृत्ति के ठीक उलट हम कई बार कई शब्दों में अतिरिक्त रूप से त या अर्ध त जोड़ लेते हैं। जैसे अस्तित्व को अस्तित्व, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व को उत्तरदायित्व, इस रूप में लिखना और उच्चारण करना, इसी त अक्षर को अतिरिक्त रूप से जोड़ देने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में बताता है। और अब इसी अतिरिक्त रूप से त इस अक्षर को जोड़ने की दुष्प्रवृत्ति को हम दंपति इस शुद्ध और मानक शब्द के कुछ अशुद्ध प्रयोगों को देखकर समझ सकते हैं। दंपति इस शब्द को लिखने और उच्चारण के क्रम में लोग दंपत्ति या दंपत्ति जैसे प्रयोग कर दिया करते हैं। और ऐसा इसलिए भी लोग शीघ्रतावश या अनवधानवश कर दिया करते हैं क्योंकि लोग शब्द साम्य को ध्यान में रख लेते हैं। इसलिए ही संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर दंपत्ति का अशुद्ध लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम दंपति शब्द का प्रयोग करें तो इसके अर्थ को याद रखें, तो हम स्वयं इस शब्द के अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। वस्तुतः जाया अर्थात भार्या और पति, इन दो शब्दों का ही एकीकृत स्वरूप है दंपति। जहाँ जाया इस शब्द का जब दम या निपातन या विशेष नियमन होता है तब शब्द बनता है दंपति। वैसे यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि जाया इस शब्द का एक और भी निपातन या विशेष नियमन होता है, वह है जम, तब शब्द बनता है जंपति। और हाँ, दंपति या जंपति नहीं बल्कि दंपति या जंपति ही। हालांकि हम हिंदी में दंपति शब्द का ही अधिक प्रयोग कर लिया करते हैं क्योंकि यह शब्द प्रकृति से ही द्विवचन वाला है, इसलिए ऐसा होता है। आइए एक उदाहरण भी देख लेते हैं जहां दंपति शब्द का प्रयोग हमें दिखता है। तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर् जगमतुराश्रमम्। वैसे संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर एक और भी शब्द को रखा जाता है, वह है उन्नति। पर हम में से कई लोग उन्नति को उन्नति या उन्नति आदि लिख और बोल दिया करते हैं, पर शुद्ध शब्द उन्नति ही है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में लौटेंगे हम किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। विदेही देवी कल्याणम विदेही परमम श्रियम, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशोजेही। देवी सभी का कल्याण करती हैं। आज है नवरात्र का पंचम दिन और पांचवें दिन होती है माँ के पांचवें स्वरूप अर्थात स्कंद माता की पूजा और उपासना। ये रूप मातृत्व रूप माना जाता है। स्कंद माता अर्थात भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता। कहा जाता है इस देवी की उपासना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। यदि अपने जीवन का परम सुख प्राप्त करना है, सभी कष्टों से मुक्ति पानी है, तो पूर्ण श्रद्धा से माँ स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। इन देवी का पूर्ण रूप शुभ्र है, साथ ही इनके एक हाथ में कमल और एक भुजा वर स्वरूप अर्थात वर मुद्रा में है। कहा जाता है कि माँ के वरदान से जीवन भी सफल हो सकता है और कठिन परिस्थितियाँ भी दूर हो सकती हैं। विश्व का कल्याण करने वाली माँ, इनको शत शत नमन। और आइए देखते हैं देवी की स्तुति। कृत प्र
सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि। देवी सबका कल्याण करें, सौभाग्य दें, आरोग्य दें, रूप दें, यश दें और काम क्रोध जैसे शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कराएं। इसी आशीर्वाद शुभकामनाओं के साथ देवी को शत शत नमन और आप सभी का जीवन कल्याणकारी बने, सभी विपत्तियों से आपको विजय प्राप्त हो, सभी कष्ट दूर हो, इसी मंत्र और कामना के साथ आपसे अनुमति। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल लौटेंगे एक नए अंक के साथ। नमस्कार।